ओम नमो नारायण। मैं अभी गंगनानी में हूँ। गंगनानी उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में पड़ता है और यहाँ पर गर्म पानी आता है। जैसे कोई लोग गौमुख तपोवन ट्रैक करके आते हैं और थक जाते हैं तो यहाँ पर लोग गर्म पानी का स्नान करते हैं तो सारी थकावट खत्म हो जाती है। जैसे घुटने और सारे बदन का जो दर्द होता है वो समाप्त हो जाता है। और मैं अभी गंगनानी में हूँ और यहाँ पर पंडित जी मिले और पंडित जी यहाँ पर पुजारी हैं और इनको यहाँ की अच्छी जानकारी है मंदिर के बारे में और गर्म पानी के बारे में। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि क्या है यहाँ की कहानी। जी गुरु जी प्रणाम। गंगा मैया जय नाग देवता की, हर हर महादेव। मैं यहाँ पे पुजारी हूँ और 12 महीने यहीं रहता हूँ। ये पराशर जी का मुख्य मंदिर है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि हुए, सप्तऋषि के पुत्र पराशर हुए, जिनका ये मंदिर है। और पराशर जी से वेद व्यास हुए, जिन्होंने 18 महाभारत पुराण की रचना की। वेद व्यास जी से सुखदेव हुए, जिन्होंने अमरनाथ में तोता बनकर कथा सुनी। वो बाल ब्रह्मचारी थे, आगे कोई संतान नहीं बढ़ी। तो जब वेद व्यास जी ने अपने पिताजी पराशर जी को यूपी शुक्रताल में 18 महाभारत सुनाए तो पराशर जी खुश हुए। उन्होंने कहा, मेरे नाती पुत्र के मुख से वेद हो गया, अब उत्तराखंड में जाके कहीं गंगा के किनारे तपस्या और भजन करना है। तो पराशर जी वैदिक धर्म पालन के लिए उत्तराखंड में इस स्थान पर आए। उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था जी, ये हिमालय था। दादा बूढ़ा पैदल चलते थे आटा लेके। तो पराशर जी ने इसी स्थान को गंगोत्री मानकर यहाँ पर बैठ गए। उन्होंने यहाँ तपस्या किया, भजन किया। अपने तपोबल से पता लगाया कि इस जगह में गर्म जल है। उस टाइम ना कोई डॉक्टर था, ना वैज्ञानिक था, ना कोई ऐसी मशीन थी जिसे पता चल सके कि यहाँ पे गर्म जल है। तो पराशर जी ने अपने चिमटा से खोदा तो गर्म जल की एक धारा निकली, जिसका नाम रखा ऋषि महाराज ने गंगनानी माता का। और गंगनानी माता है जो गर्म जल के रूप में निकलती है और इसी के नाम से ये क्षेत्र स्थान जाना जाता है। गंगनहानी का मतलब है गंगा के समान स्नान पूजा। ये पराशर जी की मुख्य मूर्ति है, कोने में उनकी समाधि है। ये पहले गुफा थी, अभी न्यू मंदिर बना जी। ये नाग देवता है, 1 किलोमीटर ऊपर गांव है, 200 परिवार राणा परिवार रहता है, ये सब कारोबार उन्हीं का है। और मैं उनके ही नाग देवता का यहाँ पे पुजारी हूँ और 12 महीने यहीं रहता हूँ। चारों धाम में गर्म जल है। ये क्षेत्र गंगोत्री में आता है। यहाँ पे पराशर कुंड है, केदारनाथ का गौरी कुंड है, यमुनोत्री में सूर्य कुंड है, बद्रीनाथ में स्वयं बद्रीनाथ जी के चरणों से ही गर्म जल निकलता है। यहाँ पे अक्टूबर से जनवरी के बीच में 2 से 3 फीट बर्फ गिरती है तो और भी आनंद आता है, शांति रहता है, एकांत रहता है। हम दिन भर नहाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। बोल गंगा मैया की जय।